क्या इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले केएल राहुल? वेल, केएल राहुल इंडिया की T20 टीम से बाहर चल रहे हैं। ओडीआई टीम के आखिरी श्रीलंका वाले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या केएल राहुल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाले, और अगर ऐसा तो क्यों लेने वाले? आई मीन, केएल राहुल 2019 में जो वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया के टॉप प्लेयर्स में से थे। 2016-17 के बाद और 2019-20 तक केएल राहुल अपने पीक फॉर्म में थे। हर कोई ये मानकर चल रहा था कि विराट और रोहित के सक्सेसर केएल राहुल बनेंगे। केएल राहुल तीनों फॉर्मेट में इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज थे, लेकिन कोविड के बाद वो कमाल लाजवाब जो था वो राहुल के नाम से गायब हो गया और राहुल फ्लॉप होते चले गए। उन्हें T20 से ड्रॉप किया गया, टेस्ट टीम में इन एंड आउट होने लगे और वनडे में भी लास्ट मैच में उन्हें ड्रॉप किया गया था, ऋषभ पंत को खिलाया गया था। लेकिन अब ये सवाल क्यों उठाए कि वो सोशल मीडिया पर चर्चा में है संन्यास की वजह से? हम आपको बता दें, दरअसल केएल राहुल ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ बताना है। इसके बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक और स्टोरी शेयर होने लगी जिसमें दावा किया गया कि केएल राहुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। हर कोई हैरान था कि राहुल क्या संन्यास लेने वाले हैं, राहुल ने क्या ऐसा ऐलान किया है, और किया है तो फिर क्यों किया है। केएल राहुल की तरफ से जो एक पोस्ट जिसमें दावा किया गया कि आफ्टर मच रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन आई हैव डिसाइडेड टू अनाउंस माई रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट, दिस डिसीजन हैज नॉट बीन ईजी एज अ स्पोर्ट्स हैज बीन अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर मेनी ईयर्स। हिंदी में अनुवाद करें तो बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया जा रहा है कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट से। ये फैसला आसान नहीं, क्योंकि ये गेम मेरी ज़िंदगी का बहुत लंबा हिस्सा रहा। फिर आगे लिखा गया कि मैं अपने परिवार, चाहने वालों, दोस्तों, टीममेट्स, फैंस सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी ताकत बने, और अब सभी का शुक्रिया कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाया। अब ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही थी, अलग अलग आर्टिकल छप रहे थे। ये कहा गया कि यार मैं इन सारे लम्हों को जीऊंगा, अच्छा रहा, इनक्रेडिबल जर्नी रही। लेकिन क्या ये सच है? वेल, सच नहीं है। क्यों नहीं बताते? दरअसल सोशल मीडिया पर केएल राहुल की इंस्टाग्राम स्टोरी का एक स्क्रीनशॉट जो वायरल हुआ रिटायरमेंट वाला, वो सच नहीं है। सच ये कि राहुल ने ऐसी कोई स्टोरी शेयर ही नहीं की, वो फेक स्टोरी है। हाँ, उन्होंने एक स्टोरी जरूर शेयर की थी कि उन्हें किसी बात की जानकारी देनी है, वो अपने फैंस को कोई जानकारी देना चाहते थे, लेकिन रिटायरमेंट की बात नहीं कही थी। किसी यूजर ने मौज काटते हुए एक नई स्टोरी बना ली और उसे ट्विटर और बाकी जगह पर शेयर कर दिया, और रिटायरमेंट वाली अफवाह उसका फैल गई। केएल राहुल ने अभी इसको लेकर कुछ कंडेम तो नहीं किया, लेकिन यह स्टोरी बहुत वायरल हो गई, बहुत वायरल हो गई कि केएल राहुल इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले रहा। अब तमाम लोग केएल राहुल के पीछे पड़ गए। केएल राहुल हालांकि इस बार माना जा रहा है कि लखनऊ की टीम का हिस्सा भी नहीं रहेंगे, वो शायद आरसी भी लौट जाएंगे। केएल राहुल को फिलहाल टफ कंपटीशन ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों से मिल रहा है। हालांकि केएल राहुल वनडे में कमाल के प्लेयर रहे, 32 साल उनकी उम्र है, अभी कई साल वो क्रिकेट खेल सकते हैं। अपने करियर में 50 टेस्ट मैच, 77 वनडे मैचेस एंड 72 T20 मैचेस खेले हैं। टेस्ट में उनके नाम 2,863 रन, वनडे में 2,851 रन, T20 में 2,265 रन हैं। केएल ने टेस्ट में 8 शतक, वनडे में 7 शतक, T20 में 2 शतक लगाए। एक ज़माने में वो विराट रोहित के सक्सेसर कहे जा रहे थे, फिर थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। IPL में भी उन्होंने तकरीबन 4,500 रन बनाए, 4 शतक, 37 शतक है। लेकिन बीते कुछ समय से केएल राहुल का बल्ला जो है खामोश है, और उस खामोशी के बीच में किसी ने शरारत करते हुए ये मौज काटते हुए स्टोरी लगा दी कि केएल राहुल रिटायरमेंट ले रहे हैं। काफ़ी लोगों ने यकीन भी कर लिया, तो मैं लगा वहाँ पर क्लैरिफाई करें। हालांकि राहुल को अपने ऊपर काम करना होगा, पुराना वाला राहुल दिखाना होगा, वरना बिना रिटायरमेंट लिए भी शायद वो बाहर बैठे रहेंगे। लेट्स जस्ट होप कि वो कमाल लाजवाब राहुल जो है एक बार फिर नजर आए, जिसने कमाल किया था, कभी 13 गेंद IPL में अर्धशतक लगाया था। वी मिस दैट राहुल।